वैसे कट्टरपंथ वाली सोच सिर्फ अफगानिस्तान या कश्मीर तक नहीं है, ये सोच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गई है। ये यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों में रही है। नया विवाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर छिड़ा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी तारिक मंसूर ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर प्रेस नोट के जरिए शोक व्यक्त किया था। इसके विरोध में एएमयू कैंपस में कई जगहों पर पर्चे चिपकाए गए। पर्चे में कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का दोषी बताया गया। हालांकि विरोध के बाद सारे पोस्टर हटा दिए गए, लेकिन सवाल है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह के सम्मान पर एतराज किसे और क्यों हो सकता है? देखिए, लेटर तो उसके नीचे किसी का नाम है और मैं नहीं चाहूँगा मैं किसी का नाम लूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि किसने लगाया है। मगर जिसने भी लगाया है उसकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक एकेडमिक पोजीशन पे हैं, इनको इस तरीके के बयानातों से बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है, चाहे वो JNU के अंदर भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल की यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे हिंसा इंशाल्लाह, ये वास्तव में मोदी जी के विकास के रथ को रोकना चाहते हैं। मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है, पर उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अलग अलग शहरों में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसको कि समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली बार विवादों में नहीं है। इससे पहले भी ये यूनिवर्सिटी अपने ख्यालात को लेकर, सोच को लेकर विवादों में रही है। अगस्त 2020 में यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी की 7 फोटो लगाने पर विवाद हुआ था। तब छात्रों ने चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति जताई थी। सर सैयद अहमद खां की सिर्फ 3 फोटो लगाई गई थी, जिस पर छात्र नाराज थे। जनवरी 2020 में CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने हंगामा किया। आप सोचिए, वो CAA जिसका फायदा आज अफगानिस्तान से आने वाले तमाम शरणार्थियों को मिल रहा है, उस CAA का विरोध उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने किया। साल 2018 में कश्मीर में मारे गए आतंकी मनान वाणी के लिए AMU में नमाज जनाजा हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मनान वाणी AMU का छात्र रहा था। आतंकी के मारे जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारेबाजी भी हुई थी। नवंबर 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में नाटक के पोस्टर पर विवाद हुआ। पोस्टर में जम्मू कश्मीर के बिना भारत का नक्शा दिखाया गया था। मई 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर पर बवाल हुआ। छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। AMU को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। साल 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी देने पर AMU में विरोध हुआ। AMU के चंद कट्टरपंथी छात्रों ने अफजल का नमाज जनाजा निकाला और उसे शहीद का दर्जा दिया। तो AMU के कुछ छात्रों की हम कहेंगे कट्टरपंथी सोच और देश विरोधी हरकत पर एक्शन जरूरी नजर आता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लोगों के टैक्स से है, टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। AMU के हर छात्र पर सालाना 4 लाख रुपए का खर्च होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो सरकार का बजट है वो 7,315 करोड़ रुपए का है, और इसमें से लगभग 15% बजट AMU को, यानी कि लगभग 1,115 करोड़ रुपए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। ये सिर्फ इतना है। इसके अलावा हॉस्टल बनाने के लिए अलग से मदद की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से मदद दी जाती है। सोचिए, आपके हमारे देश के आम आदमी के पैसे का इस्तेमाल किस तरीके की गतिविधियों के लिए हो रहा है, किस तरीके के विरोध प्रदर्शन के लिए हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि सरकार को इन सारी चीजों को देखना चाहिए और इस तरीके के लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।